आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 50 की। बिहार चुनाव में पहले चरण के लिए आज प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, ये जानकारी चुनाव आयोग ने दी। बिहार चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दो रैलियां करने वाले हैं, ये रैलियां मधुबनी और चंपारण में होंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा में चुनाव प्रचार करेंगे और जेडीयू प्रत्याशियों के लिए 6 रैलियों को संबोधित करेंगे। आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव आज 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, ये जनसभाएं मुजफ्फरपुर, चंपारण, सीतामढ़ी, सारण, पटना, मोतिहारी जिले में होनी है। तेजस्वी यादव आज शाम बिहार के युवाओं से नौकरी संवाद करेंगे, इस दौरान उनके साथ आरजेडी प्रत्याशी भी मौजूद रह सकते हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर एक विवादित बयान देते हुए उन्हें जमूरा कहा, साथ ही कहा कि फिल्मों की तरह उनका राजनीतिक करियर भी जल्दी खत्म होगा। सीएम के कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर में हुई दूसरी सभा में भी मुर्दाबाद के नारे लगे थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा के बाद मंच से उतरते ही युवाओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए, इस दौरान भीड़ में से किसी ने नीतीश कुमार की तरफ चप्पल भी फेंकी। 28 अक्टूबर को पीएम मोदी की 3 चुनावी सभाएं होंगी, पीएम पहली रैली दरभंगा में, दूसरी मुजफ्फरपुर में और पटना में तीसरी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 अक्टूबर को बिहार में वाल्मीकि नगर और कुशेश्वर स्थान में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। चीन से तनातनी के बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो नई दिल्ली में हैं, उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट को लेकर दोनों के बीच में वार्ता हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद माइक पोम्पियो ने फोटो शेयर की, इसमें उन्होंने लिखा कि ये शाम दोनों देशों के बीच गहरे संबंध की साक्षी रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ करीब 1 घंटे तक बातचीत उन्होंने की, दोनों के बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कॉपरेशन समझौता पर सहमति जताई। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, इस दौरान हाथ की जगह केनेथ जस्टर ने बिपिन रावत से कोहनियों को मिलाकर अभिवादन किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी ढेर हुआ, आतंक पर प्रहार साफ तौर पर दिखाई दिया। अवंतीपोरा मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के सामने 4 आतंकियों ने सरेंडर किया, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल पर भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। जम्मू कश्मीर में सैन्य अधिकारी ने बताया कि सर्दी शुरू होने से पहले आतंकी घाटी में घुसपैठ की फिराक में है, जिसके लिए आतंकियों ने एलओसी के पास 250 से 300 लॉन्चिंग पैड्स तैयार किए। जम्मू कश्मीर में महबूबा के बयान से खफा जम्मू क्षेत्र के 3 नेताओं ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती के बयान से खुद को अलग कर लिया। महबूबा के बयान से खफा जम्मू क्षेत्र के नेता वेद महाजन, टीएस बाजवा और हुसैन अली वफा ने पीडीपी से इस्तीफा दे दिया। इन तीनों नेताओं ने तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा भी की। बीजेपी नेता पीडीपी के जम्मू कार्यालय पर तिरंगा फहराया और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देश की पहली सी प्लेन सर्विस 31 अक्टूबर को शुरू हो रही है, मालदीव से सी प्लेन अहमदाबाद पहुंच चुका है। सी प्लेन सर्विस साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक के लिए शुरू होगी। सर्विस के लिए स्पाइसजेट मालदीव से सी प्लेन खरीदा है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर यह सेवा शुरू होगी, इसका उद्घाटन पीएम मोदी कर सकते हैं। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या फिर हाई कोर्ट। कोर्ट मामले का ट्रायल यूपी से बाहर ट्रांसफर करने के मसले पर भी फैसला करेगा, साथ ही यह भी तय होगा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ से कराई जाए या फिर यूपी पुलिस सुरक्षा देती रहेगी। हाथरस केस की जांच के लिए सीबीआई फिर घटनास्थल पर गई और वहां से मिट्टी के नमूनों को अपने कब्जे में लिया, टीम ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की है। तेलंगाना में उपचुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के रिश्तेदार के घर पर पुलिस तलाशी के दौरान जमकर हंगामा हुआ, पुलिस ने तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया।
यूपी के नोएडा में एसटीएफ और मथुरा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लाख का इनामी बदमाश अमित ढेर हुआ है। अमित के ऊपर यूपी और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। यूपी के बागपत में अपहरण के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने व्यापारी को बरामद किया है। बदमाशों ने व्यापारी के अपहरण के बाद 2 करोड़ की फिरौती मांगी। भारत में कोरोना के 45,148 नए केस सामने आए हैं, जो कि पिछले 3 महीने में सबसे कम है। वहीं देश में कोरोना के कुल 6,53,717 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से भारत में 480 लोगों की मौत हुई। वहीं कोरोना से अब तक कुल 1,19,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 2,832 नए मामले सामने आए हैं और 54 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,736 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,645 नए मरीज सामने आए हैं और कोरोना से पिछले 24 घंटे में 84 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट कराना और सस्ता हो गया है। कोरोना टेस्ट के लिए अब 1200 की जगह 980 रुपए देने होंगे। वहीं घर से नमूनों को लेकर जांच करने की फीस 1800 रुपए तय की गई है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4,37,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। 11,64,000 से ज्यादा मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 89,62,000 के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,31,000 से ज्यादा है। आईपीएल के 46वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। सीजन में पंजाब की लगातार 5वीं जीत है। कोलकाता से जीत के बाद पंजाब पॉइंट टेबल में टॉप 4 में पहुंच गई है और उसका प्ले ऑफ का दावा और भी मजबूत हुआ है। कोलकाता ने पंजाब को 150 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब ने 18.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर मैच जीत लिया। क्रिस गेल ने 29 बॉल पर ताबड़तोड़ 51 रन बनाए। पारी में गेल ने 2 चौके 5 छक्के लगाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल में गेल की ये 30वीं 50 है। पंजाब की ओर से मंदीप 56 बॉल पर 66 रन बनाकर आउट नहीं हो पाए, नॉट आउट रहे। उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए। मंदीप सिंह ने आईपीएल की 6वीं 50 लगाई। कैप्टन लोकेश राहुल और मंदीप सिंह ने धीमी शुरुआत की। दोनों ने पावर प्ले में 36 रन जोड़े। दोनों के बीच में 47 रन की पार्टनरशिप हुई। कोलकाता की ओर से शुभमन गिल ने आईपीएल में 7वीं 50 लगाई। गिल ने 57 रन की पारी खेली। कप्तान योन मॉर्गन ने 40 और लोकी फर्ग्यूसन ने नाबाद 24 रन बनाए। शुरुआती झटके लगने के बाद शुभमन गिल ने कप्तान योन मॉर्गन के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच में 4th विकेट के लिए 81 रन की पार्टनरशिप हुई। आईपीएल के 47वें मैच में आज हैदराबाद की दिल्ली से टक्कर है। पॉइंट्स टेबल में 4 मैच जीतकर हैदराबाद 7वें नंबर पर है, तो वहीं दिल्ली 7 मैच जीतकर 2रे नंबर पर है। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी के सीईओ आदित्य पुरी रिटायर हो गए हैं। उन्होंने सीईओ और प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी शशिधर जगदीशन को सौंप दी है। एयर एशिया फ्लाइट के अंदर यात्रा के दौरान खाना देना शुरू करने जा रही है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने इसे पहले से बुक कराया होगा। पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी बुलेट ट्रेन सेवा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन पूरी तरह से पाकिस्तानी अंदाज में किया गया। लाहौर मेट्रो के उद्घाटन के लिए इमरान खान सरकार और विपक्ष के नेताओं ने अलग अलग फीता काटा। पूर्वी चीन सागर में चीन की बढ़ती एक्टिविटी को देखकर अमेरिका और जापान एक्शन में आ गए हैं। दोनों देशों की सेनाओं ने जल थल और आकाश में युद्धाभ्यास कर दिया है। इसे कीन स्वाड नाम दिया गया। देसी क्वीन सपना चौधरी का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे 60 लाख व्यूज मिल चुके हैं।